हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल द क्रिप्टो ट्रैकर्स इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ एक नए टोकन के बारे में जो कि है रोज टोकन, जो कि हम फार्म कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, कुछ यूएसडीटी उसमें इन्वेस्ट करना है और उसकी जगह आपको रोज टोकन मिलेगा। साथ ही साथ आपने जो यूएसडीटी इन्वेस्ट किया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो रिसेंटली हमने एक नए टोकन के बारे में बताया था, फ्लो टोकन के बारे में, जिसपे काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया। उस वीडियो पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, उसी के चलते मैं आपके पास एक और नए टोकन के बारे में ले आया हूँ। और ये भी टोकन काफ़ी अच्छा टोकन है, ठीक है, और इसमें कोई रिस्क नहीं है, यानी 0% रिस्क। इसमें जितना पैसा डालोगे वो पैसा भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको रोज टोकन भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आपको उस पर रजिस्टर करना है और उस पर डिपॉजिट करना है कुछ यूएसडीटी। आप कैसे भी कर सकते हैं, यूएसडीटी के थ्रू, इथेरियम के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू, और उसे कन्वर्ट कर लीजिए यूएसडीटी में और यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं आपको इस पूरी वीडियो में वही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है और रोज टोकन के बारे में। तो टाइमलाइन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे आप पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि किस पोजिशन पर मैंने आपको क्या बताया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रोज टोकन के बारे में। तो रोज टोकन क्रिएटेड बाय ओसिस फाउंडेशन, काफी रेप्यूटेड फर्म है क्रिप्टो करेंसी एनवायरनमेंट में। तो हम आ जाते हैं, हाँ, तो ये डेफी है, प्राइवेट है, टोकनाइजेशन एंड मोनेटाइजिंग डेटा, ये सब जानकारी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके, एक रोज फार्म, दूसरा रोज कल्टिवेट। रोज फार्म क्या है, आप यूएसडीटी डालो और उस पर आपको रोज फार्म के रोज टोकन मिलेंगे। दूसरा है कल्टिवेट, आपने क्या किया, आपको जो रोज टोकन्स मिले आपने फिर से स्टेक कर दिए और आपको उसके ऊपर और रोज टोकन्स मिलने लग गए। अब पहले बात करते हैं रोज फार्मिंग की। तो रोज फार्मिंग क्या है, इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि आप इतने इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस इसमें एक मैक्सिमम लिमिट है कि आप $2000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ जितना भी इन्वेस्ट किया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा रोज टोकन के रूप में, ठीक है, रोज टोकन के रूप में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो पूरा स्कीम है ये 20 दिन के लिए चलेगा, यानी स्टेकिंग खाली 20 दिन के लिए चलेगी, उसके बाद ये स्टेकिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद रोज का कल्टीवेट चलेगा। कल्टीवेट क्या कहता है, कहता है कि जो तुम्हें रोज टोकन मिला है वो तुम वापस इसमें इन्वेस्ट कर दो, उस पर तुम्हें और इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी आपको जितना भी आपने स्टेक किया है, जितना भी आपने पैसा लगाया है, वो पैसा भी आपको वापस मिल गया, रोज टोकन भी मिल गए, ठीक है। और उसके ऊपर आपने क्या किया, रोज टोकन को फिर से लगा दिया कि भाई तू फिर तेरे को फिर से स्टेक कर देता हूँ, तेरे पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मैं ले लूंगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी है, ये सब आप पढ़ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मान लीजिए एलिस ने 2000 USDC लगाए, ठीक है, पार्टिसिपेशन विंडो तक उसके कंट्रीब्यूशन 20,000 हो गया और एलिस ने रिसीव क्या किया, 10 मिलियन रोज, यानी 1 मिलियन रोज टोकन उसने कॉलेज फॉर्म में 1 मंथ में आ गए, ठीक है। अगर उसने पहले वीक में ज्वाइन किया होता तो 1 मिलियन के जगह 150,000 रोज एडिशनल आते, ठीक है। अब हम बात करते कल्टीवेट की, वही चीज है कि आपने जो आपको रोज टोकन्स मिले उसको आपने वहां पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ये जो यूएसडीसी है 20 दिन के लिए लॉक हो जाएगा, मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते उसमें से, 20 दिन बाद भले ही आप निकाल सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन विंडो 29 से स्टार्ट हो गई है और 18 तक चलेगी। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया $2000 है, ठीक है। उसकी सप्लाई के बारे में इधर लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। जो 40 डे के अगर जिसने कल्टीवेट के लिए किया है तो 20+20 डे, यानी उसका 20 दिन के लिए और रोज टोकन लॉक हो जाएगा, जबकि यूएसडीटी उसका 20 दिन के लिए ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी जान लेते हैं कि कॉइन लिस्ट के थ्रू हो रहा है सब कुछ, तो कॉइनलिस्ट 10% स्टेकिंग रिवॉर्ड ले लेगा, ठीक है। और ये एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, नॉन यूएस, नॉन चाइना, नॉन कैनेडियंस, ठीक है। अब ये इसका रोड मैप है, तो अभी तो इसका मेन नेट लॉन्च होने वाला है। चलिए अब इसके सपोर्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बैकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैकर्स काफी अच्छे हैं, बाइनेंस लैब्स है, सेल्स फॉर वेंचर्स है, यूबी कैपिटल है, हैश से, ये सबसे मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पे इन्वेस्ट कैसे करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आप जैसे ही ज्वाइन फॉर्म रोज फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को यहाँ पे अपने ब्राउजर पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए या उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा
और वो बताएगा कि अगर आप मेरे लिंक से क्लिक करेंगे तो आपको $10 ऑफ BTC मिलेगा जब आप $100 ऑफ BTC एटलीस्ट एसेट यूज करते हैं। तो अब ये फॉर्म भर लेंगे, दिनेश कुमार वगैरह वगैरह, अपनी ईमेल आईडी डाल लीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर पासवर्ड डाल लीजिए .com, पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड सिक्योर रखिएगा, एक जगह अपने पास लिख के रखिएगा क्योंकि ये पैसों का सवाल है। अब फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही एक वेरिफिकेशन मेल आपके ईमेल आईडी पे चल जाएगा, उस वेरिफिकेशन मेल को क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन यूजर हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है, मैंने ज्वाइंट फॉर्म पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे से पूछेगा कि आप US रेसिडेंट हैं, ये पूरी KYC वेरिफिकेशन करेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ तो मेरे पास कम ऑप्शंस आएंगे, तब भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए। एक वेबकैम होना चाहिए और अपनी US ID होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, एंटिटी चूज करनी है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। तो दिनेश कुमार यह सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं, येस सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपसे रेसिडेंस पूछेगा, आप कहाँ से हैं, आप कहीं US से तो नहीं है, US वाले अलाउड नहीं है। तो आई कंफर्म पे कंफर्म कर दिया। उसके बाद ये मेरे से सारी जानकारी लेगा, साइन लेगा कि आई एक्नॉलेज कि रिस्की हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा कुछ नोट करने वाली बात नहीं है। कॉइनलेस से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे टर्म्स मैंने कंडीशन पढ़ ली और आई एग्री पे क्लिक कर दिया। आई एग्री पे क्लिक करते ही क्या होगा कि वो मेरे को नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, बोलेगा आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप डाल दीजिए। मैं अभी फिलहाल सोच के चला हूँ कि 35 USDC डालूंगा फॉर ट्राइंग। तो यहाँ पे मैं लिख दो 35 USDC। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें डिपॉजिट करना है क्योंकि अब मेरे पास कॉइनलिस्ट का अकाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, उसके डैशबोर्ड पे जाके व्यू ऑल पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मेरे को एक क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करनी है, यानी मेरे को इसमें डिपॉजिट करना है जो कि मैं इसमें लेटर यूज कर सकूँ। अब देख सकते हो कि मेरे पास फ्लो टोकन्स आ चुके हैं जो मैंने परचेज किए थे पिछले उससे। ओके, तो अब यहाँ पे जाके मैं एल्गो डिपॉजिट करूंगा क्योंकि मैं बाइनेंस से कर रहा हूँ, ताकि एल्गो का फायदा ये है कि इसमें काफी पैसा बच जाएगा, ट्रांजैक्शन फीस काफी बच जाएगी। तो यहाँ से मैंने डिपॉजिट एड्रेस कॉपी किया, मैं बाइनेंस पे चला गया। बाइनेंस पे जाकर मैंने यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक कर दिया, विड्रॉ पे एल्गो, और यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करके मैंने सारा एल्गो विड्रॉ कर लिया। अब एल्गो आ जा भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना भी है मैं सारा डाल देता हूँ, 123 एल्गो ये डाल दिया। और यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह आ गया। बाइनेंस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप किसी को देखना है कि कैसे इस पे ट्रेड वगैरह करते हैं या फिर कैसे इस पे डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने टॉप राइट कॉर्नर पे एक आइकन नाम से दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, लेट्स वेट कि कितनी देर में होता है। चलो अब तक हो गया होगा, तो देखते हैं मेरे वॉलेट में एल्गो कॉइन्स आए कि नहीं। ओके, तो मेरे पास अब एल्गो कॉइन्स आ गए हैं। तो अब सबसे पहले मेरे को इन्हें स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, USDC में या फिर USDT में। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो लेफ्ट साइड में बाय एंड सेल दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आ गए, ये रहा बाय एंड सेल। बाय एंड सेल पे हमने क्लिक किया तो मेरे पास उनका ट्रेडिंग प्लान, छोटा सा स्वैपिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एल्गो पे क्लिक कर दिया क्योंकि मेरे को एल्गो बेचना है, और किसके लिए बेचना है, USDC के लिए। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम जितना मेरे को चाहिए ये 33 समथिंग डॉलर का, और यहाँ पे मैंने प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। अब ये बोलेगा कि कंफर्म ऑर्डर, उसने अपनी फीस वगैरह काट के हमें दिखा दिया कि इतना आपके पास आएगा। ओके, नाउ हम डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो हाँ, ये 35 USDT मेरे अकाउंट में आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं डालूंगा 35 USDT, ठीक है। उसके बाद नीचे जाके फॉर्म सबमिट कर दूंगा और ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया वो मेरे को बता देगा कि आपका
अब सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब पेंडिंग है, क्योंकि वो कंफर्म करेगा कि आपके वॉलेट में उतना यूएसडीसी है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, वेरीफाइड वेरीफाइड सक्सेस साइंड। अब मेरे ये जितने भी यूएसडीसी हैं ये लॉक हो गए हैं, और इस पे जो भी मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा रोज टोकन के रूप में वो मेरे वॉलेट में 20 दिन बाद आ जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई कि हमने रोज टोकन में कैसे इन्वेस्ट किया है। अगर आपको ऐसी और भी टोकन्स के बारे में जानकारी लेते रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। ओके, इसमें ये भी है कि अगर आपने अभी कल्टीवेट के लिए ज्वाइन नहीं किया है तो आप बाद में भी कल्टीवेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 21 दिन के लिए मेरा लॉक हो चुके हैं यूएसडीटी, यहाँ पे वो टाइम भी दिखा रहा है। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन पे हमें लिख के पूछ सकते हैं। ये जानकारी सारी कॉइनलिस्ट के द्वारा प्रोवाइड की हुई है, और अगर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, तो सोच समझ के जरूर करें, किसी को अंधाधुंध ना फॉलो करें। ये तो ऐसा है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट है तो वो सारा कुछ रिटर्न भी हो जाएगा, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको इन्वेस्ट करना है तो जरूर ध्यान से देख लें, खुद अपनी आंखों से देख लें, किसी और की बातों पर डायरेक्टली विश्वास ना करें। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।